केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के गेस्ट प्रोवाइड करने लगी हूँ। ये गेस्ट जो है पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं, दोनों ग्रुप्स के लिए, ग्रुप वन और ग्रुप टू के लिए। टोटल मैं एमसीक्यूज के जो आप लोगों को स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करूँगी वो 29 होंगे। इनकी 4 ऑप्शंस भी गिवन है और साथ ही साथ करेक्ट आंसर भी मार्क किया हुआ है ताकि आप लोगों को आंसर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीन पे आप लोगों को स्टेटमेंट और इसके ऑप्शंस शो हो रही हैं, करेक्ट आंसर चेक करते जाएं और इसे नोट डाउन भी करते जाएं। फर्स्ट आप लोगों के पास स्टेटमेंट है मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, 4 ऑप्शंस इसके गिवन हैं, आप लोगों को शो हो रही हैं। करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 0.55 mg। सेकेंड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8.0 g ऑफ ऑक्सीजन इज, इसकी भी 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 0.50। थर्ड स्टेटमेंट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है 3.6 g ऑफ H2O। फोर्थ स्टेटमेंट भी आ जाए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 44 g ऑफ CO2 एट STP, इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 2.2414 डेसीमीटर क्यूब। फाइव स्टेटमेंट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय, इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सिक्स स्टेटमेंट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज, इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल। सेवन स्टेटमेंट, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ वॉट इट इज एट 0°C। करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर सी 546 kelvin। एट स्टेटमेंट है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट, इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 127°C एंड 1 atm। नाइन्थ स्टेटमेंट, द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए -10°C एंड 5.0 atm। टेंथ स्टेटमेंट है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 11th स्टेटमेंट है, NH3 shows a maximum boiling point among hydrides of 5th group element due to, इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, enhanced electronegative character of nitrogen। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 12, which of the following is a low solid, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ग्लास। 13th स्टेटमेंट, आयोनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, करेक्ट ऑप्शन है आपके पास इसकी स्टेट ऑप्शन नंबर सी हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। 14th स्टेटमेंट, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी डीजनरेट ऑर्बिटल। 15th स्टेटमेंट है, द क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 2p ऑर्बिटल आर, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए एन इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल्स टू 1। 16th स्टेटमेंट, व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंट्रिंग इलेक्ट्रॉन गोज इन टू, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 7p। नेक्स्ट है आपके पास 17th स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 1σ and 2π। 18th स्टेटमेंट, विच ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी HF। 19th स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी N2, और इसके पास जो चार्ज है -2। 20th स्टेटमेंट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 0 डायपोल मोमेंट, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी BF3। 21 स्टेटमेंट पे आ जाए नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन आपके पास गिवन है NaOH प्लस HCl रिएक्ट NaCl प्लस H2O, द चेंज इन एंथैल्पी इज, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 22 स्टेटमेंट है, द नेट हीट चार्ज चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it is brought about in one or several steps, it is known as, correct option is ke option number C, Hess's law. Next, 23rd statement, in zero order reaction, the rate is independent of, correct option number B, concentration of reactants. 24th statement hai, the pH of an aqueous solution of is, correct option number B, 3.0. 25th statement hai, molarity of pure water is, correct option number B, 18. 26th statement hai, a solution of glucose is 10% W divided by V, the volume in which 1 g mole of it dissolved will be, correct option is ki option number B,
27th statement, stronger the oxidizing agent, greater is the correct option. Option number B, reduction potential. Second last statement hai aapki 28, if salt bridge is not used between two half cells, then voltage. Correct option, option number D, drop to zero. And last statement hai MCQ's ki 29th statement, if a strip of Cu is placed in solution of FeSO4, then करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नो रिएक्शन टेक प्लेस. इस तरह आप लोगों के जो 29 स्टेटमेंट MCQs की हैं मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, साथ ही साथ इनके आंसर्स भी बता दिए हैं. आपने इन्हें अच्छे तरीके से रेडी करना है. इसके अलावा आप लोगों की जो बुक के हर चैप्टर के लास्ट पे MCQs गिवन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी आप लोग लास्ट में प्रिपेयर किया करें. उनमें से भी आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं. इस तरह शॉर्ट एंड लॉन्ग मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ. MCQs आज मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, तो आप लोगों के पेपर के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. आई होप अब आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड थैंक यू.